नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। गूगल ने आज यानी 23 अप्रैल 2022 को नाजिया सलीम का डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है। नाजिया सलीम एक पॉपुलर चित्रकार प्रोफेसर है जिसे इराक की सबसे प्रभावशाली कलाकारों में से एक माना जाता है। नाजिया सलीम को बर्जील आर्ट फाउंडेशन की ओर से महिला कलाकारों के संग्रह में सम्मानित किया गया है। नाजिया सलीम इराकी महिलाओं के मुद्दों को अपनी चित्रकारी के जरिए पेश करने के लिए जाना जाता है। उनका काम अक्सर बोल्ड ब्रश स्ट्रोक एवं ज्वलंत रंगों के जरिए ग्रामीण इराकी महिलाओं और ग्रामीण जीवन को दर्शाता है। नाजिया का जन्म 1927 में तुर्की के इस्तांबुल। नाजिया सलीम का जन्म इराकी कलाकारों के परिवार में हुआ। उनके पिता भी एक चित्रकार थे और उनकी माँ एक कढ़ाई कलाकार थी। नाजिया सलीम अपने 3 भाई बहनों में से एक हैं। नाजिया सलीम के सभी भाई बहन कला में काम करते थे। नाजिया सलीम के एक भाई में से एक जवाद सलीम को इराक के सबसे प्रभावशाली मूर्तिकारों में से एक माना जाता है। नाजिया सलीम ने बगदाद ललित कला संस्थान से स्नातक होने के बाद पेरिस में इकोले नेशनल सुपर ईयर ईस्ट पिक्स आर्ट में छात्रवृत्ति पर अध्ययन किया। पेरिस में रहते हुए उन्होंने फ्रेस्को एवं म्यूरल पेंटिंग में विशेषता हासिल की। वह कई साल विदेश में बिताने के बाद बगदाद लौट आई और सेवानिवृत्त होने तक ललित कला संस्थान में पढ़ाया। सलीम अल रुवा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे जो एक कलाकार समुदाय है जो विदेशों में अध्ययन करता है और इराकी सौंदर्य शास्त्र में कला तकनीकों को शामिल करता है। तो देखते रहिए C20।